क्षेत्र का यह इलाका है मुहाड़ी। इस गांव के इस विधानसभा तुमसर विधानसभा क्षेत्र के चरण वाघमारे करके विधायक है। यह विधायक वैसे सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। हाल ही में इनके ऊपर एक मामला, तुमसर विधानसभा क्षेत्र का जो तुमसर शहर गांव है, इसी में एक मामला भी दर्ज हुआ है। उस दिन भी हम उसी गांव में, जिस दिन यह मामला दर्ज हुआ उसी दिन हम इस गांव में मौजूद थे। देखते हैं मुहाड़ी के लोगों की क्या क्या है समस्या है और क्या कहते हैं इन विधायक महोदय के बारे में मुहाड़ी के लोग। हम लोग इस वक्त मौजूद है 60 नंबर की विधानसभा क्षेत्र है यह विधानसभा क्षेत्र तुमसर विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता है। और यहाँ के जो विधायक है चरण वाघमारे करके यहाँ के विधायक हैं, अब उनके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में क्या क्या योगदान उनका रहा और वो उन्होंने किस तरीके से इस एरिया को डेवलप किया है, इस बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से, मुहाड़ी के लोगों से हम पूछने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सोपान ढुमने। ढुमने जी बताइए, यहाँ के जो विधायक है चरण वाघमारे जी, उन्होंने अपने स्थानीय विकास निधि से कोई काम कराए हैं यहाँ? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो भंडारा के हूँ। भंडारा के? तो अच्छा, भंडारा के रहने वाले हैं आप। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप उनको देखे हैं? हाँ, चरण वाघमारे को देखे ना। अच्छा, देखा है आपने। क्या नाम है आपका? मुकेश मालगर। चरण वाघमारे जी इस विधानसभा क्षेत्र में, यानी आपके गाँव में कितनी दफा आए? बहुत दफा है। अच्छा, उनके माध्यम से इस जगह में क्या क्या काम हुए हैं? काम तो हुए हैं, सड़कें वगैरह बनी है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस जगह में स्थानीय रोजगार क्या है? रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ है? अच्छा, रोजगार मेड़ावा वगैरह कभी उन्होंने आयोजित कराया था इस जगह? कराया था, लेकिन रोजगार किसी को मिला नहीं। रोजगार किसी को नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? महेश बोरकर। बोरकर जी बताइए, स्थानीय विकास निधि के तौर पर इस इलाके का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके, यानी इस मुहाड़ी गाँव में? खाली ये रास्ते बने हैं। अच्छा, और अपना वो हनुमान मंदिर है। हाँ। वो एक बना, अभी बनना चालू है। अभी चालू है? चालू है। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में ये डेवलपमेंट हुआ कि अभी हाल ही में हुआ है? ये मतलब अभी कम से कम पकड़ लो हाल ही में हुआ ही है। अच्छा, हाल ही में हुआ है। रोड के काम? अच्छा, रोड के ही काम हुए हैं। अच्छा, यहाँ पीने के पानी की समस्या रहती है इस गाँव में? धूप काले में बहुत रहती है। तो यहाँ पानी की व्यवस्था वगैरह कुछ बनाई गई है? पानी टंकी वगैरह कुछ है? वो मोगाव नदी है हमारी इधर। हाँ। वहाँ पे डोला है, वहाँ से पानी वाटर सप्लाई मुहाड़ी को आती है। मुहाड़ी को? अच्छा, वो फिल्टर पानी रहता है कि पीने लायक? फिल्टर प्लांट नहीं, फिल्टर प्लांट आया था वो वापस चला गया। अच्छा, वो वापस चले गया है। अच्छा, आपने उनको इस गांव में कितनी दफा कार्यक्रमों में देखा है? नहीं, वो हरदम ही आती रहती है मुहाड़ी में, तो उनका मतलब गड़ी पकड़। अच्छा, गड़ी है उनका। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रवीण आगाशर। अच्छा आगाशर जी बताइए, आपके गांव में रोजगार के कोई साधन वगैरह उन्होंने करा के दिए हैं? रोजगार के तो नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं है, चौक में घूमते रहते हैं। अच्छा, कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? अमोल निखाड़े। निखाड़े जी बताइए, वाघमारे जी के माध्यम से इस इलाके का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट है ना, रोड बने, बाकी कुछ नहीं हुआ। नगर पंचायत रखे भी उसका उद्धार नहीं हुआ। सीओ रहते नहीं, इंजीनियर रहते नहीं, कुछ नहीं रहते। स्थानीय आमदार रह के भी, यानी पास का आमदार रह के भी कुछ काम नहीं हुए। अच्छा, आपने उनसे कभी इस संदर्भ में चर्चा की है? हमारे साथ बैठे नहीं, तो कैसा बात करेंगे? अच्छा। हम लोगों से नहीं मिलते, उनके खास खास नेता लोग है उनसे मिलते हो? अच्छा, वो लोग किसी के विशिष्ट लोगों से ही मिलते हैं, बाकी लोगों से नहीं? नहीं नहीं नहीं, जनता से संपर्क नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश ढोमने। ढोमने जी बताइए, पानी के संदर्भ में कभी आपने वाघमारे जी को बताया है कि यहाँ हमारी ऐसी समस्या है? तो आती की तो बताएंगे कैसे हम। अच्छा, कभी मिले नहीं है वो ऐसे? अच्छा, पर्सनली नहीं मिलते? नहीं, किसी गांव वालों नहीं, से विशिष्ट लोगों से ही मिलते, विशिष्ट लोगों रहते से मिलते हैं। अच्छा, इस जगह एक हमें एक और एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली है कि यहाँ जो सुशिक्षित बेरोजगारों का एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, वो जॉब कार्ड पर अभी तक के यहाँ के जो नगर पंचायत की सीईओ है वो नहीं रहने के वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं से जानते हैं क्या दिक्कत है, क्या है वो एक्चुअली? अभी पुस्तक के ऊपर साइन नहीं रहती, हम नगर पंचायत में पूछने जाते हैं तो साइन नहीं हुए, वो अपने स्लिप नहीं आए, ऐसे बोले जाते। अच्छा। या तो आमदार का काम है, आमदार है तो उन्होंने करने को ना, सीओ को लाके बैठाने को ना। अच्छा। वो रहते नहीं, उसका नाम बताते कि सीओ नहीं है करके। अच्छा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ एक यानी ये रोजगार के पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता शुद्ध, कुछ नहीं आता, खराब पानी रहता है, पानी पीने लग रहा है। और हंडी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, भारत गैस, एचपी गैस। फिर हमारे साथ एक और एक समस्या को लेकर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र जी बताइए, क्या समस्या है इस गांव में? हंडे के लिए गाड़ी के लिए फोन किए। हाँ। उसने बोला गाड़ी आएंगी 10 मिनट में। हाँ। अब देखे गाड़ी नहीं आई, यानी जो गैस का है वो अभी तक के नहीं मिला? नहीं। अच्छा, यहाँ उज्ज्वला गैस के योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल पाया? तो कंफर्म नहीं है, लेकिन
कम लोगों को मिल पाया है क्या? अच्छा, इस जगह में लगभग आपको क्या लगता है कि रोजगार के साधन वगैरह में यहाँ के जो विधायक है वो असफल है कि सफल है? असफल है, रोजगार नहीं दिला पाए हैं। नहीं सर। अच्छा, यहाँ जो विकास होना चाहिए था, यानी जब वो अभी मान के चलिए कि उनका ये अंतिम यानी ईयर है, 5 वर्ष कंप्लीट होते आ रहे हैं उनके विधायकी के, तो उन्होंने शुरुआत में डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है? सर उसने किया है, अभी ये नहीं, ये अंतिम दौर में ही है। अंतिम। अच्छा, लगभग इस मोहाड़ी ग्राम का भी यही हाल है कि जैसा कि हमारे दर्शकों ने को हम पहले भी विधायकों के बारे में बता चुके हैं कि विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो होते हैं वो पिछले 5 साल यानी 5 सालों में 4 साल काम नहीं करते हैं, और लगभग जब उनके चुनाव आने वाले रहते हैं ऐसे 1 वर्ष में ही वो काम करते नजर आते हैं। यानी हर विधानसभा में, जैसा हमने इसके पहले आपको चिमूर विधानसभा दिखाई थी, उसके बाद आपको ब्रह्मपुरी दिखाई है, उसके बाद हमने आपको भंडारा दिखाया है, अभी हम आपको तुमसर विधानसभा जो दिखा रहे हैं, इसमें भी यही विधायकों का आलम बना हुआ है। लगभग ये सारा जो मामला है ये केवल राजनीतिक तौर पर उसका सुख लेने का मामला होता है, और ऐसी परिस्थितियों में आम जनता जो है, जो मतदाता है, वो काफ़ी दिक्कतों में होता है। बताइए क्या है? सर वो ठीक है, लेकिन हाँ। जो जब जिसको गाली हंडली गाली आती है, हाँ। बैंक अपना हंडली गाली, हाँ, उसे दो दिन आती है, हाँ, आती नहीं गाली, अभी लोग वहाँ पे खड़े। अच्छा, फ़ोन किए, हाँ, आ रही है आधे घंटे में। अच्छा, इसको बुकिंग है, हाँ, फोन करते कस्टमर को, हाँ, बोलते हैं बुकिंग है, हाँ, लेकिन मोबाइल दिखता है कैंसिल हो गई गाड़ी, कैंसिल हो गई करके, क्या मतलब? अच्छा, अब काफी यहाँ लोगों के घर के जो चूल्हों का गैस होता है वो गैस के लिए अभी भी लोग इस समय भी वहाँ लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक के गाड़ी मौजूद नहीं हो पाई है, और जो यहाँ की जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने भी वो गाड़ी अभी तक के मुहैया नहीं कराई है। ये समस्या को लेकर यहाँ के लोग कई दफा विधायक से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक के किसी कोई भी समस्या सब ये नहीं हो पाया है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। देखा आपने मोहाड़ी के लोगों का कहना क्या है, लोगों के बीच में अगर आप जाते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो आप विधायक कहलाने के लायक हैं। अगर आप विधायक हैं, उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, तो आपको जनता की समस्या समझनी होगी, उसे सुलझाना होगा, लेकिन ऐसे सुलझाने में यह विधायक विफल साबित हुए हैं। दर्शकों फिलहाल ब्रेक हो चला है, ब्रेक के लौटने के बाद आपको हम बताएंगे तुमसर विधानसभा क्षेत्र का ही तुमसर शहर में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तुमसर वासी। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। हेलो, ओए तूने आज हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सर कैफ यू यार, पर हाँ मैंने भी अपने घर पे रॉयल एलची लगाया। सो रणबीर, उसका एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। पर मेरे और बैक्टीरिया में क्या कनेक्शन? सो फनी। थैंक यू। ए केयरफुल। व्हाट किल्स बैक्टीरिया? एशियन पेंट्स रॉयल हेल्थ शील्ड, इसकी एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी दीवारों पे लगे बैक्टीरिया को किल करे और घर को रखे सेफ। रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू।